हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी में जो आपकी बुक लगी है हमारा राजस्थान की, तो वो हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर हमने पढ़े, उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए हैं। 6 के क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, 7 के कर लिए, और 8th क्लास के 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर जो है वो पूरा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए तो वो आप उससे आराम से कर सकें। अब तक जो है एक भी सिंगल क्वेश्चन जो है इन बुक से बाहर नहीं गया है, चाहे वो आपका रीट का एग्ज़ाम हो या आपके सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, इन्हीं बुक्स में से जो है वह पूछा जाता है। ठीक है, लेवल जो है वह यदि बड़ा होता है, जैसे सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है तो वहाँ आपको ग्रेजुएशन तक की बुक पढ़नी होगी, और फर्स्ट ग्रेड का यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ आपको आपकी जो है पीजी की जो बुक है पोस्ट ग्रेजुएशन की, वहाँ तक आपको पढ़ना होगा। लेकिन आपको गुजरना यहीं से होगा, 6 क्लास से ही आप लोगों को पढ़ना होगा। तैयारी जो है वो इसी को कहते हैं। और आप लोग जो है वो समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आरएएस प्री का एग्ज़ाम जो है वह हुआ था और आरएएस मेंस के एग्ज़ाम के लिए बच्चों को टाइम नहीं मिला है। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम ही मिल रहा है एक तरीके से। आप लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आया है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, या फिर आगे आने वाली रीट का एग्ज़ाम हो, तो टाइम जो है वो वापस नहीं आएगा, टाइम तो चला जाएगा। और जो भी बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इधर उधर जो है वो ख़राब कर रहे हैं, प्लीज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि टाइम जो है, घड़ी जो है वो अपना काम रेगुलर कर रही है। आप भी रेगुलर करिए, और जो भी मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो वो थोड़े समय के लिए ही आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन आपको अपना काम जो है वो नहीं छोड़ना है। काम जो है वह करते हुए चलना है। ठीक है, समय का पूरा पूरा जो है वो प्रयोग आपको करना है, और इतना मुश्किल भी नहीं होता है समय को सदुपयोग करना, क्योंकि बस आपको अपनी सोचने की क्षमता जो है वो उसको थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, और नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि हम लोग जो है वो अब क्या करेंगे। रीट का जो ये एग्ज़ाम जो अभी फंसा हुआ है, पता नहीं इसमें क्या होगा, अगला एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। पढ़ाई आप रेगुलर करिए, जो क्योंकि इसके अलावा आप लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं होता है। एक स्टूडेंट्स के पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक काम होता है, पढ़ने का। ठीक है, और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा पढ़ने से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी मत सोचिए। पॉजिटिव माइंड से जो है वो आप लोग काम करते चलिए, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो सब कुछ सामने आएगा। जो भी न्यूज़ होती हैं, जिनको आप बार बार YouTube पर देखते हैं, टाइम जो है वो पूरा आप YouTube पर दे देते हैं, ऐसा नहीं करिए। इससे आपका कुछ भी नहीं होगा, फ़ायदा तो इससे आपका नहीं होगा। जो भी न्यूज़ होती हैं वो आपको पता चलती ही रहती हैं, और जो कुछ होगा सब कुछ सामने आएगा। लेकिन फिर भी आगे जो है वो आपको तैयारी करनी चाहिए। यदि आप लोग जो हैं यहाँ टीचर अभी बन जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप लोग जो है पढ़ाई जैसी चीज़ को बिल्कुल ना रोकिएगा, क्योंकि आप टीचर हो और टीचर का काम होता है बिल्कुल अंत तक पढ़ना। जब तक हम जीते हैं तब तक हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। तो इसी उद्देश्य को लेकर जो है वो आप समय को बर्बाद ना करें, और आप जो हैं वो अपना मन पढ़ाई में लगाएं, फुल मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें और अपना काम जो है वह करते चलें। तो चलिए, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 5 उद्योग, जिसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो उद्योग किसे कहते हैं? तो उद्योग किसे कहते हैं? तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई जो होती है वह क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। ठीक है, जो भी हम डेली यूज़ में जो लेते हैं चीज़ें, चाहे वो सुबह उठकर हम टूथब्रश या टूथपेस्ट लेते हैं, नहाने के वक्त साबुन लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, ठीक है, कुछ भी खाते पीते हैं, और इसके अलावा जो है लिखते हैं, कागज़, पेन, ये सभी जो है कहाँ बनती हैं? इनका निर्माण तो कहाँ होता है? उद्योगों में ही होता है। तो तकनीकी सहायता से कच्चे माल से जो वस्तुएं जो हैं वो पक्के माल में परिवर्तित होती हैं जिस जगह, तो उस इकाई को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। उद्योग किस प्रकार का व्यवसाय है, प्राथमिक या द्वितीयक? तो वहीं कृषि हम देखते हैं प्राथमिक व्यवसाय है, जहां से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, और कच्चा माल जो है वो पक्के माल के रूप में परिवर्तित होता है जहां, तो वो उद्योग कहलाता है। तो उद्योग जो है वह एक द्वितीयक व्यवसाय है। द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे देखो, कपास से वस्त्र निर्माण हो रहा है, गन्ने से शक्कर बन रही है, सोने से आभूषण निर्माण, गेहूं से बिस्कुट बनना, लोहे से उपकरण बनना, ठीक है। तो ये सभी निर्माण जो हो रहा है ये उद्योग में हो रहा है, तो ये द्वितीयक व्यवसाय है। और यहाँ पर कपास, गन्ना, सोना, गेहूं, लोहा ये सभी क्या है? प्राथमिक व्यवसाय में आ जाएंगे, कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग हो रहा है। कृषि किस प्रकार का व्यवसाय है, प्राथमिक या द्वितीयक? तो अभी मैंने आपको बताया कृषि प्राथमिक व्यवसाय है, वही उद्योग जो है वह द्वितीयक व्यवसाय है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, वानिकी हो, खनन हो, परिवहन हो, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी? आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी, जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है और उससे हम जो है अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? लघु और कुटीर उद्योगों की क्या समस्याएं होती हैं? तो इनकी समस्या ये होती है कि इनके पास कच्चे माल की कमी, ऊर्जा, वित्तीय साधनों की कमी, सीमित बाजार होना, आधुनिक प्रौद्योगिकी की इनको जानकारी न होना, तो ये सभी जो हैं लघु और कुटीर उद्योगों की समस्याएं रहती हैं। राजस्थान में ऊनी खादी में कहाँ की वर्दी प्रसिद्ध है? राजस्थान में ऊनी खादी में कहाँ की वर्दी प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर की वर्दी जो है वह प्रसिद्ध है। राजस्थान में कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है? राजस्थान में कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ऊनी खादी में ही कंबल जो है वो बीकानेर के प्रसिद्ध है। जैसलमेर की वर्दी प्रसिद्ध है, बीकानेर के कंबल प्रसिद्ध हैं। मैरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? मैरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसलमेर और जोधपुर की मैरिनो खादी प्रसिद्ध है। राजस्थान किन अनाजों में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राजस्थान किन अनाजों में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह जौ, तिलहन, बीज, मसाले, इनमें जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। गन्ने के रस से गुड़ बनता है, खांडसारी बनती है, इसका निर्माण राजस्थान के किन जिलों में किया जाता है? गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण राजस्थान के किन जिलों में किया जाता है? तो यह कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर में किया जाता है। फिर देखें, राजस्थान में सरसों तेल घाणी उद्योग मुख्यतः किन जिलों में है? राजस्थान में सरसों तेल घाणी उद्योग जो है वह सबसे बड़ा अलवर में है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर में है, ठीक है। तेल घानी उद्योग जो है सरसों का, तो वह कहाँ है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर। राजस्थान में तिल्ली के तेल से संबंधित उद्योग जो है वो सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक यहाँ पर तिल्ली के तेल से संबंधित उद्योग कोटा, बूंदी, बारा और पाली जिले में है। राजस्थान में मूंगफली की खल और तेल उद्योग मुख्यतः कहाँ संचालित हैं? तो मूंगफली की खल और मूंगफली का तेल उद्योग जो है वह सर्वाधिक कहाँ है? अजमेर जिले में है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए किन जिलों में रीको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं? तो राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग के विकास के लिए अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, इन जिलों में रीको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खनिज आधारित उद्योग कौन से कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग कौन से कहलाते हैं? तो ऐसे उद्योग जिनमें खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, तो उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। देश का 90% रॉक फॉस्फेट किस राज्य में मिलता है? तो राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य कहलाता है, ठीक है, और यहाँ सबसे ज्यादा खनिज और रॉक फॉस्फेट जो है वो मिलता है। तो 90% तक रॉक फॉस्फेट जो है राजस्थान में उदयपुर, जैसलमेर और सीकर जिलों में, यहाँ पर उद्योग जो है इनके संचालित हो रहे हैं और यहाँ पर रॉक फॉस्फेट जो है वो सर्वाधिक मिलता है। सीसा और जस्ता उद्योग किन जिलों में है? सीसा जस्ता उद्योग जो है वह किन जिलों में है, तो राजस्थान में पाया जाने वाला ये एक बहुत प्रमुख जो है खनिज है और ये उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद यहाँ पर इसके उद्योग संचालित हैं। तांबा उद्योग राजस्थान में कहाँ संचालित है? तांबा उद्योग राजस्थान में कहाँ संचालित है? तो यहाँ पर देखिए सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, बीकानेर, अलवर, यहाँ पर जो है तांबा उद्योग जो है संचालित है। और खेतड़ी, झुंझुनू जो है वह तांबा नगरी के रूप में भी जानी जाती है। राजस्थान में सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए बाजार कहाँ है? राजस्थान में सोने चांदी के आभूषण और रत्नों के लिए बाजार जो है वह कहाँ है, जो कि विश्व विख्यात केंद्र है जयपुर। ठीक है, जयपुर का जो जौहरी बाजार है वह सोने चांदी के आभूषणों के लिए विश्वविख्यात है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 21 है, राजस्थान राज्य के किस जिले में लाल पत्थर, पीला पत्थर संबंधित उद्योग संचालित हैं? तो लाल पत्थर जो है वो धौलपुर में मिलेगा और जैसलमेर में जो है वो पीला पत्थर मिलता है। ठीक है, राजस्थान में लाल पत्थर धौलपुर में, पीला पत्थर जैसलमेर में। ग्रेनाइट उद्योग का विकास राजस्थान के किस जिले में हुआ है? ग्रेनाइट उद्योग का विकास राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो यह जालोर जिले में हुआ है। संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात जो है वो भारत से बाहर विदेशों में भी किया जाता है। कोटा स्टोन उद्योग किस जिले में संचालित है? कोटा स्टोन उद्योग किस जिले में संचालित है? तो यह कोटा में संचालित है। तो चलिए आज हम यहीं तक करेंगे। आज हमने 23 क्वेश्चन तक कर लिया है, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये 23 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको बार बार रटिए, याद करिए, वीडियो बार बार सुनिए। ऐसे सुनिए जैसे कि आप लोग जो हैं जब इंजॉय करते हैं, कोई गाना सुनते हैं तो गाना जो है वो आप लोग कई बार सुन लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है आप जो गाना सुन रहे हैं वो आपको याद भी हो रहा है। ऐसे ही आप इस वीडियो को सुनिए तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।